हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हाल छठ का ये दूसरा दिन है जब मैं व्रत थी, उसके बाद से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बनने जा रही है कढ़ी, वो भी गोभी की कढ़ी। तो हम किसी भी बना सकते हैं, जैसे गोभी, पालक, बथुआ, मेथी, आलू, टमाटर, किसी की भी बहुत यम्मी बनती है। तो आज गोभी और हरी मिर्च की कढ़ी पकौड़ी बनाऊँगी। व्रत रहो उसके दूसरे दिन ना कुछ ऐसा ही खाने का मन करता है, जैसे कढ़ी हो या कुछ चटपटा सा, मतलब खट्टापन जिसमें हो। यहाँ पे मैं मसाले पीस रही हूँ। बच्चे हंस रहे हैं, मम्मी जब आप व्रत रहते हो उसके दूसरे दिन आपको कढ़ी क्यों अच्छी लगती है? मैंने कहा मीठा मीठा कुछ मन रहता है, लगता है कुछ तीखा खाओ, इसलिए मट्ठा भी आ गया है, मैंने मंगा लिया है। पड़ोस में गैया भैंसी लगती हैं किसी ना किसी के, तो मिल जाता है जब खाने का मन होता है। डेली तो वैसे मट्ठे का काम नहीं होता है, तो एक बार और अच्छे से पीसूंगी। मसाले तैयार हैं, चलिए पहले पकौड़ी बना लेते हैं। आधा बेसन मैं डाल लूँगी पकौड़ी के लिए, आधा रहेगा कढ़ी के लिए। ये देखिए गोभी कट कर ली है मैंने, मिला दूँगी। और जो मसाले मैंने पीसे हैं उसे भी मिला के इसी में डालूँगी। मैंने अच्छे से मिला लिया है, अब इसी कढ़ाई में जल्दी जल्दी डाल दूँगी। पूरा पकौड़ी एक घान में ही आ जाएगी, केवल कढ़ी में डालने के लिए है, खाने के लिए नहीं। अभी बज रहे होंगे सुबह के शायद 7, इतना टाइम हो रहा है। मतलब छुट्टी थी फिर भी बहुत जल्दी उठी, सारा काम ख़त्म किया। व्रत के दूसरे दिन ना सुबह ज़्यादा जल्दी नींद खुल जाती है, तो लगता है कितनी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लें। और पकौड़ियाँ मेरी लमसम पक गई हैं, अभी मैं निकाल लेती हूँ। सारे घोल मैंने तैयार कर रखे हैं, मसाले में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बेसन में भी। मट्ठे की कढ़ी बन रही है ना तो ज़्यादा यम्मी बनती है, जब हम चछुआ या खटाई डालते हैं उतना स्वादिष्ट नहीं बनती। खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, मेथी, तेज़पत्ता और एक डोड़ा बस। उसके बाद फिर डाल दूँगी वही जो गोभी मैंने डाली है पकौड़ी में, उसे भी थोड़ा सा उसमें डाल दूँगी, जिससे फ्लेवर इसका कढ़ी के में आ जाए, अच्छा लगा करता है। फिर मसाले जो मैंने रखे हैं घोल के उन्हें डाल दूंगी इसमें। और मसाले मैंने मिलाए हैं गरम वाले, जो मैंने पीसा था वो तो खड़े मसाले थे। अब फिर इसे बहुत अच्छे से भूनूंगी जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता है तब तक। और कढ़ी जब बनती है ना तो घर में कौन खुश होता है? नहीं होता, मैं जाती, बट मैं बहुत खुश हुआ करती हूँ। मुझे लगता है आज मैं बेस्ट रेसिपी, बेस्ट खाना बना रही हूँ घर में, मतलब इतना फेवरेट है। लेकिन कोई भी चीज़ इतनी भी अच्छी क्यों ना हो, हफ्ते में एक बार अच्छी लगती है। ऐसे जो मसाले वसाले ज़्यादा पड़ते हैं उन सब चीज़ों में, जैसे पनीर है, कढ़ी है, डेली नहीं अच्छा लगता। डेली वही नॉर्मल सब्जी, चावल, रोटी, दाल ही अच्छी लगती है, सच कहूँ तो, है ना? तो देखो पानी भी मैंने डाल दिया है, अब डालूँगी मट्ठा और लगातार चलाती रहूँगी जिससे मट्ठा हमारा फटे ना, क्योंकि जब हम मट्ठा ऐसे डालते हैं गर्म चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि फट जाएगा। तो इसलिए मैं एक हाथ से चला रही हूँ, एक हाथ से सारी चीज़ें डाल रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कलर कुछ कम अच्छा आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। कैमरा कभी कभी ब्लर कर देता है, अच्छे से दिखता नहीं है। ये देखिए कैसी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, एकदम अजीब सा कलर आ रहा है कढ़ी का, बट बहुत पीला पीला है एकदम सा। तो सब चीज़ मैंने डाल दिया है, अब बच्चों को दे दूँगी खाना। ये लोग भी नहा धो के रेडी हो गए हैं, मैं खा चुकी हूँ फ्रेंड्स, वो मैंने छोड़ नहीं करा, ठीक है? मैं खा चुकी हूँ निकाल के थोड़ा सा कढ़ी चावल। ये कढ़ी हमारी एकदम से रेडी हो गई थी, इसे मैं अब ढक के रख देती हूँ। ये फिर अब थोड़ा सा शाम के 4 बज रहे होंगे, इतना टाइम हो रहा है। सुबह के खाए फिर मैं सो गई थी, अब फिर से थोड़ा सा खाने जा रही हूँ। चावल कढ़ी लेके बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, यहाँ देखिए यहाँ बैठ के खाऊँगी। उधर सब्जी उनके आ गए हैं तो शोर हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ उनको घट रही है, तो आधा दिमाग मेरा उधर है, बार बार मैं उधर देखने लगती हूँ, इधर खाना लेके बैठी हूँ।
खाते समय ना जब कोई डिस्टर्ब करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, तो मुझे लगता है खाना छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये भी कह रहे हैं पहले इधर का काम कर दो फिर खाओ, तो ये कुछ हाल होता है। फिर देखिए बच्चे ट्यूशन पढ़ के मतलब पढ़ चुके हैं, सर जी उनके गए, मैं यहाँ पे पानी वानी भरूँगी, शाम का काम करूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ और क्या डालती हूँ। वैसे जन्माष्टमी भी है आज, 6 तारीख को ही है, क्योंकि रात के टाइम में अष्टमी रहेगी। अगर हम 7 तारीख को मनाते हैं जन्माष्टमी तो 4 बजे दिन तक ही रहेगी, तो जन्मदिन के तो होगा नहीं प्रभु का, तो मेरे हिसाब से 6 तारीख को ही है जन्माष्टमी। लेडीज ये नहीं रहती हैं जो लोग हल छठ का व्रत रहती हैं, इसलिए मैं तो नहीं रहूँगी, बच्चे छोटे ही हैं रहते नहीं, हस्बैंड जी व्रतवत रहने का उन्हें ज़्यादा इच्छा नहीं होती, तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती, क्योंकि भगवान में पूजा पाठ में जब तक हमारा खुद का मन अच्छे से ना लगे ना तब तक फिर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और व्रत वगैरह पूजा पाठ ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से सीखते हैं, हम बचपन से अपने घर से अपनी फैमिली से, तो ये माहौल में हस्बैंड कभी नहीं रहे हैं, उनके घर में इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, तो उन्हें अब मैं कितना भी कहूँगी वो नहीं करेंगे, इसलिए मैं कहती भी नहीं हूँ। मेरा कहने का ये सारी चीज़ें ये मतलब है फ्रेंड्स, बुराई नहीं है, अपने बच्चों को ना हमेशा अच्छा ही माहौल देना चाहिए जिससे वो बचपन से अच्छा सीखें, फिर बाद में आप ज़बरदस्ती कितना भी उनको सिखाओगे वो सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन से उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी ही नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे मैं मनाती हूँ जन्माष्टमी, मनाऊँगी तो ब्लॉग तो डालूँगी ही, है ना। चलिए पानी मैंने भर लिया है, फिर शाम का टाइम हो गया है, चाय भी मेरी बनने लगी है। हर ब्लॉग में चाय तो एक बार दिखाई ही जाती है, क्योंकि चाय जब पीती हूँ तो दिखाना तो पड़ता ही है। अब फिर रात का ब्लॉग भी थोड़ा बहुत रहेगा, देखिए शाम के टाइम में थोड़ी सी भिंडी बनाऊँगी, कढ़ी मेरी थोड़ी सी रखी हुई है तो मैं खाऊँगी अपनी कढ़ी। हस्बैंड जी बोल रहे हैं शाम के मुझे भिंडी की सब्जी बना दो, दिन भर में नहीं खा सकते कढ़ी, एक बार वो भी खा लिए हैं, कभी कभार खा लेते हैं जो मैं बनाती हूँ वो भी, वैसे उनको कढ़ी पसंद नहीं है, तो रोटी के लिए मैंने आटा गूंद लिया है, सब्जी मेरी पक गई है, खा पी लेते हैं फिर सो जाते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम हो गया फ्रेंड्स, देखिए पूजा पाठ हो गई है, यही मेरा ब्लॉग था, आई होप अच्छा लगा होगा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय भोलेनाथ, हैप्पी जन्माष्टमी।